क्या मुहर्रम में मियाँ बीवी हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं, क्या मुहर्रम में हम बिस्तरी करने से नकाह टूट जाता है और किन किन दिनों में हम बिस्तरी करना मना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे, आज एक न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नंबर वन, मुहर्रम में जमा करना जायज़ और दुरुस्त है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, माह मुहर्रम में नकाह करना जायज़ और दुरुस्त है। नकाह किसी महीने में मना नहीं। अपनी बीवी से हम बिस्तरी करने वालों को बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। बंदा गुनाहों से बच जाता है और इसके नामा अमाल में नेकियां लिखी जाती हैं। लिहाजा साबित हो गया कि जिस तरह नकाह किसी भी महीने में मना नहीं है, इसी तरह जमा करना भी किसी भी महीने में मना नहीं, चाहे वो मुहर्रम का महीना हो या कोई दूसरा महीना। लिहाजा 9 और 10 मुहर्रम को हम बिस्तरी करना मना नहीं है, लिहाजा नहीं करनी चाहिए। नंबर दो, किन किन रातों में हम बिस्तरी करना मना है, इसकी वजाहत करते हुए इमाम गज़ाली फरमाते हैं, अमीर अल मोमिनीन हज़रत अली से रवायत है कि हर महीने की चांद रात और चांद की 15वीं शब और चांद के महीने की आखिरी शब मुबाशरत करना मकरूह है, कि इन रातों में जमा के वक़्त शैतान मौजूद होता है। तहकीक ये है कि इन रातों में मुबाशरत जायज़ है, लेकिन एतिहाद इसमें है कि मुबाशरत करने से इन रातों में परहेज़ करें। नेज़ अज़ान नमाज के वक़्त हम बिस्तरी नहीं करना चाहिए। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अज़ान नमाज के वक़्त मुबाशरत करने से औलाद नाफरमान मज़हब से बेगाना पैदा होती है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस किया करें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।